एक और अच्छा दिन। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। चलो पता है ये लोग मुझे पे गुस्सा करने के लिए खड़े होंगे कि मैं अभी के काम पर क्यों नहीं गया। सबसे पहले चल के मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। एकदम मूड फ्रेश हो जाता है नहाने के बाद। चलो अब कपड़े निकाल लेते हैं। पापा आपकी बाल्टी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, लगता है दर्जी से चल के पजामे और जूते फिर से सिलवाने होंगे। खाने को कुछ है? नहीं है मम्मी। खाने के लिए क्या है यहाँ पर? तो कुछ दिख नहीं रहा। आपने अलमारी में रख दिया रूम के? रुको देखना पड़ेगा। हाँ ये ले लेते हैं, खाते खाते भूख लग जाएगी तो ले लेंगे, महीने भर का राशन भी ऐसे भी वो। चलो थोड़ा सा रेडियो ऑन करके सुनते हैं क्या हुआ है, उसके बाद चलेंगे। समाचार सुनो फिर चलो। टिंग, आज के ताज़ा समाचार, आज के ताज़ा समाचार। अगर आपको जान बचानी है तो ध्यान से सुनिएगा। आज यानी अभी से बहुत ही प्रचंड भूकंप आया है। इस भूकंप के बाद जहाँ तहाँ से पानी निकल निकल कर बाढ़ का स्वरूप ले रहे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर उस जगह के लिए है जहाँ लोग रहते हैं। मैं बंद करता हूँ इसे। हमारी जगह पे थोड़ी आएगा, हम तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। हमारे आसपास तो रेगिस्तान है और रेगिस्तान में पानी मिलना जैसे सोने पे सुहागा होता है। हमारे यहाँ पानी बाढ़ का रूप नहीं लेता। ओ किसान भैया, सुबह सुबह क्या करने आ गए मेरे यहाँ पर? कितने किलो आलू चाहिए बता दो, सुबह सुबह तुम्हारी दुकान पे पहुँच जाएंगे। अरे ये तो खाना बनाने वाले अंकल थे, मैंने इन्हें गलती से किसान बोल दिया। चलो फसल तो लगी गई है, कटाई कल होगी। चलो ठीक है। वो क्या है वो पानी? यानी वो बात सच थी? मुझे जल्दी से मम्मी पापा को से चल के ये बात करनी चाहिए इस बारे में। हटो हटो मेरे घर के आगे, क्या भीड़ लगा के सब खड़े हो? सबको डर लग रहा है इसलिए मेरे ही घर में घुसना चाहते हो, क्योंकि मेरा घर सबसे ऊंचाई पर है। वाह, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तब तो कोई नहीं आता, और आज देखो ज़रूरत पड़ने पर सबके सब आगे मुंह उठा के। बब्बी पापा आप लोगों को पता है? बब्बी पापा आप लोग अभी तक कपड़े पे? मम्मी पापा आप लोगों को पता है? आप लोग वहाँ देखो खिड़की के पास से, यहाँ से देखो हमारी तरफ वो पानी का दोनों साइड से आ रहा है। हाँ बेटा, हमें पता है इस बारे में, इसीलिए हम लोग तुम्हें सुबह से उठा रहे थे। तुमसे कुछ काम था। क्या काम है मम्मी पापा, जल्दी बताइए, मैं जल्दी से कर दूंगा। तुम अभी के अभी चर्च जाओ और वहाँ से जाकर पंडित जी से बात करो, मिस्टर प्रीस से। मिस्टर प्रीस जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक है मम्मी पापा, मैं अभी जाता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मैं अपने गांव को नहीं बचा पाया तो, और अगर हम सब ख़त्म हो गए तो? नहीं नहीं ऐसी बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। ये रहा चर्च। हेलो मिस्टर प्रीस्ट, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, इतने दिन बाद यहाँ कैसे आए? दरअसल आपको कुछ बताना था। क्या, जल्दी बोलो। एक्चुअली बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, जहाँ तहाँ से पानी निकल के पहाड़ों पर से और सारे बड़े बड़े गांवों को बहा रहा है। कई लोग तो मारे भी जा चुके हैं। अगर आपको इसका उपाय पता है तो मुझे जल्द से जल्द बताइए मिस्टर प्रीस्ट, जल्दी बताइए। सोचने दो। ठीक है, एक काम करो, तुम वहाँ जाओ, उस नीले वाले के नीचे कुछ है, तुम उसे निकाल दो। जी, नीले वाले के नीचे फूल या फिर ये नीला, इसे तोड़ के देखते हैं कुछ। अच्छा यहाँ पे तो एक, मिस्टर प्रीस्ट ये तो एक नक्शा लग रहा है। ये कहाँ का नक्शा है मिस्टर प्रीस्ट? ये नक्शा उधर उधर की तरफ मिस्टर प्रीस्ट, उधर समुद्र की तरफ का है। उस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर नेदर है, नेदर का रास्ता, नेदर के पार जाकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा है। उस नदर के पार तुम्हें एक नई दुनिया मिलेगी। उस नई दुनिया में एक सूर्य का जो रोशनी है उसे काबू में रखने वाला एक यंत्र है, उसे ऑन करने पर तुम सूर्य की रोशनी को बढ़ाकर जो जल प्रवाह हो रहा है यानी जो हमारी धरती को ख़त्म करेगा उसे रोक सकते हो। ठीक है मिस्टर प्रीस्ट, मैं अभी जाता हूँ। रुक जाओ, ऊपर ही रहना। क्या हुआ मिस्टर प्रीस्ट? ऊपर कुछ औजार होंगे, ज़रा देखो अपने आस पास। नहीं मिस्टर प्रीस्ट, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब अपना संदूक खोलो। जी, अपनी तलवार पे दबाओ। जी दबाया।
अब वहाँ पे तुम्हें कुछ लोहे के कपड़े दिख रहे होंगे। जी मिस्टर प्रीस्ट, उन सबको ले लो, ये तुम्हारे युद्ध में काम आएंगे। युद्ध? युद्ध नहीं, मतलब तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हारे सफ़र में। हो सकता है कि बीच में तुम्हें किसी से लड़ना जाना पड़े, तुम क्या करोगे? अब वहाँ पर खड़े होकर तो सोचोगे नहीं, इसलिए अभी ही ये ले लो। ठीक है मिस्टर प्रीस्ट, और जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं अभी उन्हें मेरे पास रख दो, वो सही सलामत रहेंगे, तुम बाद में आके ले लेना। ठीक है मिस्टर प्रीस्ट, जैसा आप कहो। चलो अब जल्दी से उन कपड़ों को लो और यहाँ से निकलो सीधा उस पहाड़ की तरफ। पहाड़ की तरफ? पर क्यों, मेरे पास तो नक्शा है, तुम चल के जाओगे क्या वहाँ तक? नहीं ना, तुम्हें एक अजीब गरीब शक्ति पड़ेगी ज़रूरी, इसलिए भी उस पहाड़ पर जाओ और वहाँ जाकर पंडित जी से मिलो। वो पंडित जी बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं, वो तुम्हें ऐसा तरल पदार्थ देंगे जो कि तुम्हें उड़ने में सहायता करेगा। ये क्या मिस्टर प्रीस्ट, ये तो शाम होने लगी है। नहीं, तुम्हें आज के आज जाना होगा, अगर तुम जल्द से जल्द वहाँ नहीं पहुँचे तो देर हो जाएगी। ये जल प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और हमारे गाँव को डुबा देगा। जी मिस्टर प्रीस्ट, मैं अभी जाता हूँ। कहीं चुन पहाड़ वाले साधु बाबा के बारे में तो नहीं बोल रहे जिनकी कहानियाँ माँ सुनाती थी? चलो चलते हैं। चलो मैं पहुँच गया, रात भी होने वाली है, जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा। माँ पापा को बताया तो नहीं है, पर कोई नहीं, अच्छे कामों के लिए कई बार कुछ छोड़ना और भूलना भी पड़ता है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, एक सेव ही अभी तक मेरे पास। कोई बात नहीं, इनके घर का दरवाज़ा कहाँ है? यहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं है, मैं इनके घर के अंदर कैसे जाऊँ? और ये पत्थर खोदने में बहुत वक्त लगे, ये पेड़ एक सीढ़ी जैसा क्यों है? चलो इसी पे से चढ़ के, अगर यहाँ से गिरे तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे, फिर दुनिया बाद में बचाएंगे, खुद ही नहीं बच पाएंगे। पत्तियों को हटाओ, झाड़ी हटो यहाँ से, मुझे जान दो उधर। ओहो चलो बस थोड़ा सा और मैं पहुंच ही गया, फाइनली मैं पहुंच गया। हाँ ये क्या, इनकी छत टूटी हुई है? ये अंदर जाने का रास्ता? चढ़ के देखेगा। अरे मैं अंदर कैसे जाऊँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अंदर जाने से ढकेल रहा है। फाइनली, हेलो प्रिस्ट जी। हेलो हेलो, तो कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? दरअसल आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। अच्छा तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? दरअसल हमारे साधु महाराज ने बताया कि आप हमारी मदद कर सकते हैं इस धरती को बचाने के लिए। मैं समझ गया, एक काम करो, तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी, उसके बाद तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जो तुम यहाँ लेने आए हो। बताइए क्या है पहेली? हरा हरा है दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ ही भरा है। क्या? तुम जाओ और जाके खोजो इसी गुफा में। ये गुफा है? जो भी है, यहाँ पर क्या है ऐसा? हरा हरा है, भरा भरा है, दोनों तरफ में से एक ही भरा है। हरा हरा यानी ये, क्या इधर कुछ है? नहीं इधर तो कुछ नहीं है, दूसरी तरफ भी देख लेना चाहिए। ये मैं कैसे? पंडित जी आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो आखिरकार मुझे ये चीज़ मिल ही गई, चलो मैं इसे पी लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ उड़कर, क्या मैं उड़ पाऊँगा? या बस बार बार बचे, उड़ू कैसे? ये क्या, मैं तो ज़मीन से ऊपर हूँ। चलो जल्दी से नक्शा देखते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो ये नक्शा समुद्री तट का है, यानी कि समुद्र। इधर ही कहीं है वो जगह, फिर से देखना पड़ेगा। अरे ये तो वही गोल गोल वाले धब्बे हैं जहाँ मैं और पिताजी जब मछलियाँ पकड़ते थे तब जाते थे, पर मुझे आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसे कोई भ्रम है? नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हवा में उड़ती हैं सब, ऐसे क्यों दिखने लगा? मुझे एक बार फिर से नक्शा देखना चाहिए,
तो ठीक है, मैं इस वो रहा गोल, वो क्या है, रेगिस्तान में लाल, रेगिस्तान में पानी तो मिलता नहीं है, सिर्फ रेत रेत होती है, ये लाल क्या है, कहीं यही तो नहीं है। हाँ ये तो वही जगह है, ठीक है तो मुझे ये क्या है, मैं नीचे कैसे उतरूं, वो 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 मुझे चोट क्यों नहीं लगी, मतलब शायद इस पोशन की वजह से। चलो ठीक है, पर मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा, पहले मुझे देखने दो मुझे जाना कहाँ है आखिर का, ये कैसी जगह है और ये क्या नाला लगा है, वाओ उधर लावा है, मत जाओ उधर, यहाँ तो ये निशान, वो तो ये निशान अभी भी इधर ही है, यस। क्या मैं उड़ सकता हूँ गुफा में, चलो आगे चलें, पर यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ, वो ये कैसी जगह है, ये तो बंद है, ये तो भूल भुलैया जैसा है, मुझे किधर जाना चाहिए, इतनी बड़ी गुफा में एक छोटा सा दरवाज़ा मैं कहाँ खोजूँगा, पर खोजना तो पड़ेगा, चलो चलते हैं। पिछले ना जाने कितने घंटों से मैं इस गुफा में चढ़ उतर कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आखिरी जगह इस गुफा की, जहाँ मुझे देखना बाकी है, ये क्या है, यही तो कहीं वो बड़ा दरवाज़ा, पर इसके अंदर मैं जाऊँ कैसे, यहाँ तो कोई, ये क्या हुआ, आग आग आग, आखिरकार मैं बच ही गया, ओ वो ये तो लावा है, इतना सारा लावा, वो भी ऐसी जगह पे, चलो अब यहाँ से जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएं, ये सीढ़ियाँ जैसा क्या है, उधर तो कुछ नहीं है, चलो इधर ही बढ़ते हैं, मुझे क्या है, मुझे इससे बच के रहना चाहिए शायद, कहीं मुझे देख ना ले, भागो भागो भागो, वो क्या है, ये सब यहाँ क्या है, इतना अजीबो गरीब, ये तो गंदा मांस है, मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ तो हर तरफ आग और लावा ही है, आज तो मैं बार बार बच्चा, अब इधर से किधर, इधर तो आगे कुछ नहीं, कहीं मैं अपना ही रास्ता ना भुला जाऊं, शायद मुझे उस तरफ जाकर देखना चाहिए, चलो चलते हैं, चलो फाइनली इस तरफ आ गए हम लोग, और ये कैसी जगह है, ओ नीचे तो लाला, चलो वाह हे भगवान, ये कैसी अजीबोगरीब जगह, मेरा है दरवाज़ा है क्या जिधर से मैं, नहीं तो ये तो नहीं है, मेरा तो दूसरी तरफ था, और उसके ऊपर नीचे तो हर तरफ लावा ही लावा था, मुझे लगता है ये वही दूसरा दरवाज़ा है जिसके बारे में प्रिस्ट बता रहे थे, चलो मुझे बिल ही गया वो जगह, चलो चलो जल्दी चलो, उससे पहले कि यहाँ राक्षस मुझे देख के खा जाए, कितनी अजीबोगरीब जगह है, यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, यहाँ तो खेत भी नहीं है, चलो चलो जल्दी चलो, ये क्या, मैं आसमान में आ गया क्या,
आसमान ये नदर का दरवाजा है क्या? मैं कहाँ गया? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं? ये तो जमीन है। तो ये है दूसरी दुनिया। ये भी हमारी दुनिया की तरह कितनी खूबसूरत है, पर यहाँ कोई घर नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, उन्होंने कहा था दूसरी दुनिया सूर्य को काबू में करने वाला यंत्र होगा। कहाँ होगा? मुझे कहाँ होना चाहिए? यहाँ भी पानी नहीं, ये वो पानी नहीं, ये तो नदी है, आम पानी है ये तो। चलो मुझे जल्दी से खोजना चाहिए, पता चला वहाँ बाढ़ आ गई और मैं इधर ढूंढता रह गया। कहाँ जाऊँ? कितने कसके चोट लगी। ये क्या है वो? मुझे इतना कुछ के झटका क्यों लगा? यहाँ तो कुछ हुआ भी नहीं। क्या यही वो यंत्र है? शायद हाँ, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। एक बार फिर से चालू करके देखते हैं। वो वाह, मेरी आंखें, मैं तो ठीक हूँ। क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया होगा? नहीं नहीं पंडित जी ने कहा था कि इसे मेरी आँखें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये क्या, मैं बेहोश हो गया था क्या? कितना वक्त हो गया मुझे इसे चलाए हुए? अगर ज़्यादा वक्त हो गया होगा तो धरती का सारा पानी सूख गया होगा। मुझे इसे बंद करना होगा। बंद हो, चलो अब मुझे जल्दी से अपनी दुनिया में जाना होगा और देखना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चलो अब मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए। ये मेरी दुनिया, क्या मैं अभी भी उड़ सकता हूँ? एक बार से दोबारा पीक देखते हैं। अब कोशिश करते हैं। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या ये एक ही बार इस्तेमाल होता है? मैं उड़ पा रहा हूँ। हाँ, मैं तो उड़ पा रहा हूँ। चलो अब मुझे जल्दी से वापस घर जाना होगा और देखना होगा कि सब कुछ ठीक है या फिर मैं मुझसे कोई गलती हो गई। इतने अंधेरे में तो यहाँ से कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा। कोई नहीं, सुबह हो जाएगी तब जाऊँगा। चलो घर चलते हैं। मैं वापस आ गया, अब चलो सो जाते हैं। गुड नाइट। सुबह हो गई। माँ, ये क्या तरीका है? तुम रात में हथियार लेकर और सेब लेकर क्यों सो गए थे? अरे बाप, आपको नहीं पता कल मैंने कितनी मेहनत की और मैं थक गया था इसलिए। क्या थक गए थे? कल तुम्हारे पापा को खेत पे जाना पड़ा। इतने बड़े हो गए हो, कोई तरीका और तमीज़ है कि नहीं? अरे अरे, आप लोग मुझ पर भड़क क्यों रहे हो? हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। चाहो ये क्या बोल रहे? अरे वो पोषण और वो सामान कहाँ गया जो मुझे वहाँ से मिला था? ये सब क्या है? बे कपड़े कहाँ गए? अरे हाँ, वो तो मैंने प्रिस्ट के यहाँ छोड़ दिए थे। माँ, मैं आता हूँ चर्च से। हाँ हाँ, बस घूमने निकल जाओ सुबह से, और कोई काम तो है ही नहीं। एक सेकेंड, रेडियो में सुन लेता हूँ। अगर कल मैंने पानी रोका था तो उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ बोला तो होगा ना? आज की ताज़ा खबर, हमारे यहाँ मौसम बहुत ही सुहाना है और खेती के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप लोगों को भी खेती के लिए कुछ नए खाद पदार्थ चाहिए तो हमारी एक खरीदारी वाले व्यापारी से संपर्क बंद करो इसे। दिन भर बकवास। कल मेरे हीरोगिरी के बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। गाँववासी आप लोगों को तो पता है ना, ये लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है मुझसे। सबको ऐसा भाव चढ़ा जाता है जैसे पता नहीं क्या हुआ। तू क्यों कूद रहा है? भाग गया मुझे देखकर, सब ऐसे ही करते हैं। प्रेस्ट प्रेस्ट, अरे मैं सीढ़ियाँ अगर चढ़ गई क्यों जा रहा? मैं कूद उड़ के जाता हूँ। अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? प्रेस्ट से पूछना पड़ेगा, उन्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। मैं सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रहा? क्या हो रहा है मेरे साथ? प्रिस्ट प्रिस्ट, क्या हुआ बरखुरदार? प्रिस्ट, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? प्रिस्ट, मेरी पूजा में भंग क्यों किया तुमने? प्रिस्ट, आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे प्रिस्ट, आप कहाँ जा रहे हैं?
मुझे तुम जैसे लोगों से बात ही नहीं करनी, मेरी पूजा कर देते हो। मुझे अपने कपड़े लेने हैं। कहाँ गए वो लोहे वाले कपड़े, वो सब कहाँ गया? कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? तुम्हें पता है मेरी इजाज़त के बिना कहीं भी आना जाना मना है। अरे प्रेस तो आप ही मुझे बता दो ना, कहाँ है वो सारे कपड़े और मेरा सारा सामान? प्रेस्ट, चलो चले जाओ यहाँ से, मेरी पूजा का वक्त हो रहा है। ठीक है, उन बाबा को तो ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा, मैं उनके घर ही चल के देखता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे खेत में क्यों आ जाते हो? सबके सब सामान चाहिए तो मेरे पिताजी से बात करना, मोल भाव करके वही देंगे। चलो हटो यहाँ से। चलो पहुँच गया फाइनली पहाड़ की चोटी पर। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी आप कहाँ हो? बाबा जी, बाबा जी आप कहाँ हो? यहाँ पे तो एक घर होता था ना। बाबा जी मेरा सर फटा जा रहा है, वो सब मेरा सपना तो नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए मुझे घर लौट जाना चाहिए, शायद अब शायद शायद सच में मेरा सपना हो, पता नहीं, कह नहीं सकते। उस बच्चे को ये भुलवाना बहुत ज़रूरी था कि उसने इस धरती के लिए कितना बड़ा काम किया है, वरना अगर उस बच्चे को ये भनक तक पड़ जाती कि उसने सचमुच क्या किया है, तो हो सकता है आगे चल के उसी के लिए अपने जीवन में परेशानियां हो सकती थीं। इसलिए मुझे अपना घर द्वार सब छोड़ना पड़ा। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बड़ी पसंद आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, मैं जा रहा हूँ अपने लिए दूसरी जगह ढूँढने और आज से इस जगह को छोड़ने। तब तक के लिए अलविदा।